वजीर मुमलिकत बराए इत्तला और नशरियात मियाँ फरुख हबीब से मिलने फैसलाबाद में उनके घर पहुंचे। भाइयों और वालिद के हमरा इस्तकबाल किया, भतीजे भतीजियों ने फूल पेश किए। उम्र सिर्फ 35 साल, कम उम्र तरीन वजीर मुमलिकत हैं। आप ये बताइए कि 2018 के इलेक्शन के बाद वजीर बनते बनते 2.5-3 साल क्यों लग गए? ये तो अल्लाह ताला को जब मंजूर होता है तब भी इंसान बनता है, लेकिन हमने अपने आप को कभी किसी वजीर से कम महसूस ही नहीं किया और ना ही कभी हमारे वजीर आज़म ने हमें ये महसूस होने दिया कि हमारे पास वो पावर्स नहीं हैं जो किसी वजीर के पास होती हैं। बल्कि वो कहते हैं ना कि एक बूटा लगा के उसे खुद नर्चर करना, पनीरी लगा के उसे तनावर दरख्त बनाना, तो वो करदार जो है वो इमरान खान साहब ने अदा किया है। और बहुत सारे मुझ जैसे नौजवान जो हैं वो आज पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, उनकी काबीना का भी हिस्सा है। फैसलाबाद की मिडिल क्लास फैमिली से तलक, ना दौलत ना शोहरत ना सियासत की विरासत, फिर भी 2013 में भी मुकाबला किया और 2018 में तो आबद शेर अली को पिछाड़ दिया। आखिर कैसे ये काम किया? इमरान खान साहब अक्सर कहते होते थे कि टैलेंट विदाउट पैशन जो है ना वो यूज़लेस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन काम करने की तगोदो नहीं वो करते, मेहनत नहीं करते, थक जाते हैं। तो जब हम अपने लीडर की तरफ देखते थे कि ये थकते ही नहीं है, ये बेशुमार सेटबैक्स होते हैं, ये अपनी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो जब 13 का इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया, 50,000 वोट जिसको वो जानते नहीं थे उसको 50,000 वोट दिए, तो वो एक मेरे लिए एक हौसला अफजा चीज़ थी। उसके बाद जो हमारी सियासत के लवाजमात हैं, ख़ास तौर के ऊपर लोग अवामी बंदे को पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका नुमाइंदा उनके दरमियान हो, उनकी गमी खुशी में हो, उनके मसाइल को समझता हो। और अपनी 13 के इंतखाबात में हमारी जो मैनेजमेंट थी, जो गलतियाँ थी उनसे हमने सीखा, अपनी इलेक्शन की जो साइंस है इलेक्शन भी उसके मुताबिक इलेक्शन को लड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का, मैं समझता हूँ कि लोगों ने फरख हबीब को वोट नहीं दिए, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिए। पैसे धेले के बगैर सियासत करने का गुर तो आप ही से सीखना चाहिए। ये बड़ाई साहब ये एक कंपोनेंट है, यानी ये पैसा जो है वो सियासत का लाजमी जुज्व नहीं है, मैं उसकी मिसाल बैठा हूँ। यानी कि हमने बहुत ही कम पैसों के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ा है। और आप ये देखें कि हमारे वो दोस्त अहबाब जो हमारे साथी हैं जिन पे मुझे आज भी फ़ख्र है कि उन्होंने अपने अपने इलाकों में इंतखाबात को संभाला, अपने अपने दफातर खुद चलाए, पोलिंग डे को मैनेज किया, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर साथ दिया। और ये एक बड़ी अहम चीज़ है, एक है रवायती पॉलिटिक्स, रवायती सिस्टम में आगे आ पाएँ, या आपके पास को बहुत बड़ी गद्दी हो, या आपके नाम के साथ को बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान का नाम हो, या आप गाँव एरियाज़ में इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके धड़े मौजूद होते हैं। लेकिन शहरों में अमूमन ये कहा जाता है कि यहाँ पर पैसे की बेस के ऊपर सियासत है, लेकिन मैंने बहुत बहुत पैसे वाले लोग जिन्होंने इंतहाई पैसा लगाया उनको मैंने पिटते देखा है। तो गौर यही है कि आप खुद मेहनती हो, कुछ करने कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर हो, तो आप जो है वो जो लफ्ज़ है ना इम्पॉसिबल, वो मैं उसको इस तरह ट्रांसलेट करता हूँ कि आई एम पॉसिबल। और मुझे 2013 की वो इमरान खान की थपकी नहीं भूलती जब मैंने कहा खान साहब 18 दिन पहले आप मुझे टिकट दे रहे हैं, और टिकट भी मुझे आप उस हल्के से दे रहे हैं जहाँ पे मेरी अमूमन रहायश नहीं है, दूसरा हल्का है लेकिन है शहर का ही है, हमारे शहर के हल्के साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से तो जो है वो आबिद शेर अली इलेक्शन लड़ रहा है, राना सनाउल्ला इलेक्शन लड़ रहा है, तो मुझे आज तक उनकी वो बात नहीं भूलती। उन्होंने मुझे कहा कि तुम फरख हबीब क्या घबरा गए हो, तुम क्या डर गए हो? तो मैंने कहा ये डरने वाली और घबराने वाली तो आपने हमारी ट्रेनिंग ही नहीं की, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और वो मुझे थपकी आज तक याद है। ज़माना तालबिल्मी में सियासत का आगाज़ इस्लामी जमीयत तलबा से किया, मगर जल्द ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ लौट गए। तो क्या जज्बा था जिसकी वजह से सियासी रवैयों में तब्दीली आई? इस्लामी जमीयत तलबा में कोई एक्टिव मेरा कोई करदार नहीं था, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे रफ़का थे उनका ताल्लुक उनके साथ था, तो हमारा उठना बैठना उन लोगों के साथ था। और रोज़े अव्वल से यानी कि जब यूनिवर्सिटी में गए तो हमने एक एक्टिविस्ट का ही किरदार अदा किया। यानी मेरा 2005 में हेली कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर जाते साथ जो आपका पहला तारुफ होता है वो इन्हीं लोगों के साथ ही होता है। तो अल्टीमेटली जो टर्निंग पॉइंट ये बना
कि जब इमरान खान साहब मुशर्रफ दौर के अंदर एमरजेंसी लगी तो इमरान खान साहब को पहले हम आइडियलाइज तो करते थे, उनकी बातें भी हमें अच्छी लगती थी, तो हमें ये लगा कि ये बंदा जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। और चूंकि हम पहले एक्टिविस्ट थे तो जब वज़ीर आज़म साहब, उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे इमरान खान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी आए, तो उस वक्त इतनी सोशल मीडिया भी मुतहरक नहीं था, लेकिन एक ख़बर जंगल की आग की तरह फैली हुई थी कि आज वो कौमी हीरो जिसने वर्ल्ड कप इस कौम को जितवाया, जिसने शौकत खान हॉस्पिटल बताया और नौजवानों में पॉपुलर थे, तो वो आ रहे हैं और आज वो रूल ऑफ लॉ के हवाले से आ रहे हैं, आज़ाद अदलिया के लिए आ रहे हैं। तो हम वो लोग थे जो उनको कंधों पर उठाने वाले थे। जब वो पहुँचे खुशकिस्मती से, तो हम उस वक्त उस जगह के पॉइंट के ऊपर खड़े थे जहाँ पर आके वो कैरी डब्बा रुका जिसको अमीरुल अजीम साहब चला रहे थे और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी उनके हमराह थे। तो उस वक्त हमने उनको अपने कंधों के ऊपर उठा लिया और बड़ी पज़ीराई उनको मिली, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट आपके इलम में है कि वो उस वक्त मामला हुआ, उसमें परवेज़ मुशर्रफ भी डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व थे कि इमरान खान को किसी तरीके से रोकना है, गिरफ़्तार करना है। लेकिन जो इमरान खान काम करने आया था वो काम उन्होंने कर दिया, यानी कि वो स्पार्क देने आए थे नौजवानों को। वो दिन था कि आप देखें कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए तो अगले ही रोज़ पूरे पाकिस्तान के तलबा सड़कों के ऊपर थे, और वही तहरीक है जिससे हमें काफ़ी सीखने का भी मौका मिला, नुमाया होने का भी मौका मिला, आगे आने का भी मौका मिला, और जो कुछ भी सीखा वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स से सीखा। नाश्ते पर करीबी दोस्त अहबाब को भी मधु कर रखा था। हलवा पूरी निहारी, पाए से तबाज़ की गई। फैमिली से मिलने आए। फरख साहब बचपन में कैसे थे? शरारती बच्चा था, शरीफ बच्चा था, पढ़ने वाला था, क्या क्या बातें याद हैं बचपन की? बड़ा शरारती था, एक दो बार साइकिल भी घर से लेकर गया, एक बार शिकायत आई स्कूल से किसी बच्चे की साइकिल लेके ग्राउंड में निकल गया, तो इस तरह की शरारतें। अब वफाकी वजीर बन गए हैं, आपके क्या तसरात हैं, लोग क्या कहते हैं आपको? लोग तो बहुत खुश हैं जी इसके वफाकी वजीर बनने से, और कहते हैं जी अल्लाह ताला ने बड़ी ही अपना मेहरबानी की, रहमत की है इस पर। बाद वगैरह तो लोग मुझे कहते हैं कि जी आप फ़र्क के वालद ही नहीं है। मैंने कहा क्योंकि मैं ऐसे ही चला जाता हूँ सादे तरीके से, कोई नहीं। वो कहते ना कोई प्रोटोकॉल है आपके पास, ना कोई गनमैन है आपके पास, आप कैसे घूमते फिर रहे हैं बाज़ारों में। मैंने कहा जी मुझे इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं। ज़माना है तालबिल्मी में तो फ़र्क हबीब साहब ने आपको काफ़ी तंग किया होगा। हाँ जी सही बात है, बच्चे छोटे तो तंग करते ही हैं। तो उसके बाद जिसने सियासत में जब आया तो मैंने इसको मना भी किया शुरू में कि हमारा जिन लोगों से वास्ता पड़ रहा है वो हम उनके मुकाबले के नहीं हैं, आप शेर अली वगैरह हो या मुस्लिम में, तो आप प्लीज़ रहने दें। फिर इसने हमें इकट्ठा किया, बिठाया, कहता एक तो आप अल्लाह पे यकीन रखें, मुझे कुछ नहीं होता, नंबर दो पार्टी मेरे साथ है, खान साहब मेरे साथ है, पार्टी की मुझे फुल सपोर्ट है। फिर एक बार ऐसा भी हुआ, मैंने टीवी पे सुना कि जमीयत के लड़कों ने इसको कहीं मारा मूरा कि आप जमीयत छोड़ के खान साहब के साथ क्यों चले हैं, जब खान साहब को ये निकाल के, जब खान साहब को लड़कों ने मारने को ये बचा के ले गया, उन लड़कों ने फिर इसको मारा। फिर हमें रात को फ़ोन आया तो फिर मैं लाहौर गया इसकी खबर, जिन्हें तो ये ऐसे छुप कर बैठा हुआ था लोग के कहा कि मुझे नज़र ना आए कि चोटें लगी हुई हैं, वालद परेशान होगा। तो इसके अलावा घर पे भी आए हैं इधर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जमीयत के लड़के 10-12 लड़के कि आप अपने बेटे को मना करें, खान साहब को छोड़ दें तो वरना अच्छा ना होगा। इधर भी वो धमकियाँ देते रहे घर पे आके। आप क्या समझाते हैं वफाकी वजीर बन के क्या करें जिससे आप खुश होंगे, लोग खुश होंगे? यही कि अपना हर एक आदमी का ख्याल रखें, किसी को मसलन कोई शिकवा गिला ना हो कि ये फ़र्क को हमने ये काम कहा को वो हुआ नहीं है, ये समझाते हैं ऐसे। फ़र्क की सबसे अच्छी बात क्या है और कौन सी खराबी है जो आप समझाती रहती हैं? तकरीबन मेरा तो ख्याल है कि सब ही अच्छी आती हैं इसकी जी, तो बस यही मेरा है होता है कि सबका ख्याल रखो, जो भी कोई काम करे वो उसका करना चाहिए,
आजजी और इनकसारी जो है वो अल्लाह ताला को भी पसंद है। बचपन में कैसा था? आपसे मार-शार पिटी के नहीं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं इसको मारा। वैसे माशाल्लाह शुरू से ही ये बहुत इंटेलिजेंट था। हाँ जी, और पढ़ाई के मामले भी एक दफ़ा इसको बिठाना पढ़ने के लिए तो बैठ जाता था। हाँ। कभी इसने ज़्यादा तंग नहीं किया था। भाई साहब, फ़र्रुख हबीब साहब में कोई खामी नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह ताला की दुआओं से और हम भाइयों की अतफाक में ये बहुत बड़ा आज़ाद है हमारे शहर के लिए भी और लोगों के लिए भी। एक मिडिल क्लास से अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है और इसी आज़ी में हम रहते हैं और हमारे हलके का अतमाद है हम पे। माशाल्लाह फ़र्रुख को देख के बड़ी खुशी होती है। ऐ तो मुझसे तकरीबन 6-7 साल छोटा है ये, मगर इसको देखते हैं तो खुशी भी होती है। जो सीना वो भी फ़ख्र से चौड़ा होता है। अल्लाह पाक ने बड़ी इसको इज़्ज़त दी है और बड़े कम अरसे में लोगों को इतनी इज़्ज़त मिलती है जितनी अल्लाह पाक ने फ़र्रुख हबीब को दी है। और इसमें इसकी मेहनत भी बहुत है, इसने बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और कभी किसी से शिकवा गिला भी नहीं किया, बस अपने जस्तजू में लगा रहा है और उसी का ही फल अल्लाह ताला ने इसको दिया। सबसे बड़ी भाई की ये खासियत है, ये एग्रेसिव नहीं होते टॉक शोज़ के ऊपर भी और बड़े सब्र से काम लेते हैं। कभी भी मैंने इनको टेंस नहीं देखा कि वो बड़े आराम से सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। मेरे भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और दुनिया के बेस्ट भाई हैं। कभी कभी खुशी से मेरी आंखें बहुत ज़्यादा भीग जाती हैं क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ और मैं अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अल्लाह पाक इन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इनकी हिफाजत करे। शायद बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे लाड से रखा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको दिन रात और कामयाबियाँ तरक्कियाँ दें, बस इनको बुरी नज़र से बचाएं। शादी कैसी चल रही है और कितना वक्त देते हैं आपको? शादी बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। टाइम पहले फिर भी मैनेज हो जाता था, अब थोड़े ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बट ऑनेस्टली आई सी हिम वर्किंग हार्ड। ऐसा नहीं है कि वो टाइम जाके कहीं और गलत जगह पे स्पेंड कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गए हैं, वो लिटरली काम कर रहे हैं सुबह शाम। सो इट प्रिटी मच जस्टिफाइड। उनका जो काम है, जो उनका पर्पज़ है, उसको अचीव करने के लिए अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो इट्स ओके। आप झगड़ा नहीं करते टाइम पे? नहीं, एक्चुअली मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, बट फरूख का जितना मुझे समझ में आया, पॉलिटिक्स में आने का पर्पस वाज टू सर्व, और जब उस पर्पस के लिए अगर वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसकी खुशी होती है, उसके लिए झगड़ा नहीं होता। इख्तलाफ फिर किन बातों पर होता है? मोस्टली नहीं होता, अगर हो तो बहुत छोटी सी किसी बात पे ही हो सकता है कभी। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं लगता कि पिछले जितना भी टाइम शादी का हुआ है हमारी लड़ाई नहीं हुई अब तक। किन बातों पर टोकती है? टाइम देने को लेकर ही शायद कभी टोक देती हूँ कि मोबाइल साइड पर रखते हैं, ये एक बात है जो कर देती हूँ कभी। आपके शौहर भी हैं फेडरल मिनिस्टर, आप इनसे क्या तवक्को रखती हैं, क्या करें जिससे आप बतौर सिटीजन खुश हों? बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर एंड बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, दो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। डेफिनेटली फेडरल मिनिस्टर बनने के बाद भी एक चीज़ का रिमाइंडर ये होता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सारा टाइम मिनिस्ट्री पर अगर चला जाएगा तो वो लोग सफ़र करेंगे। एंड बीइंग मिनिस्टर आई थिंक रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारे हर इदारे में। इनके पास इन्फॉर्मेशन है तो वही जो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड लोगों से कांटेक्ट में लेके चलें। पॉलिटिकल एडवाइस नहीं देती हैं आप? उनको पता है, उनका काम है, उनको मुझसे बेहतर पता है। एक जनरल एडवाइस टुवर्ड्स लाइफ दे सकती हूँ, बट पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो उनको मुझसे बेहतर पता है। फैमिली के हमरा एक दिन जियो के साथ का केक काटा। घर से रवाना हुए। जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था और सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? जब मैं इधर से फैसलाबाद छोड़ के पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो एक लम्हा इस फीलिंग ये आ रही थी कि किस जगह पे आ गए। ये भी अपने शौक से थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो घर के खाने और यहाँ की जो दोस्तियाँ और घर से दूर रहना, वो शुरू में तो बड़ी मुश्किल हुई। और दूसरा जो मुश्किल पेश आई, जब मैं 2013 का जब इलेक्शन लड़ने आया तो जब मैंने इलेक्शन की टिकट मुझे मिला तो लोगों ने कहा कि जी कौन है, हम तो इसे जानते ही नहीं हैं। और अपने हलके में जब मैंने कैंपेन का आगाज़ किया तो 4-5 दिन मुझे बड़ी बातें सुनने को मिली। तो वो जब मैं रात सो नहीं पाता था उन बातों की वजह से, 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद जब हमारी कैंपेन चल पड़ी और लोगों से मुलाकातों का एक सिलसिला बन पड़ा तो लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया नहीं कि ये हम में से ही है और हमारा ही जो है नुमाइंदा है और नुमाइंदगी का हक अदा कर सकता है, तो वो इस बात को जो है वो मान गए।
और यकीनन जो है वो ख़ुशी के बेशुमार मराहल होते हैं। अल्लाह ताला ने जब कामयाबी दी और मुंतखब हुए और वो एक खुशी का दिन था, और उसके बाद अल्लाह ताला ने जब आपकी शादी का मौका होता है वो भी एक खुशी का मौका होता है। इसके अलावा फिर आपका जो मेरा अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है, ख़ास तौर पे बेटा दिया, तो वो एक इंतहाई जो है वो खुशी का दिन था मेरे लिए। समुंदरी रोड पर सूफी बरकत अली लुधियानवी के मज़ार पर आए, हाजी आजम और मियां मजीद ने इस्तकबाल किया। जिक्र किया मजार पर फातिहा खानी की। ज़ाहिर आपका कोई बिजनेस नहीं है, घर और सियासत का खर्च कैसे पूरा होता है? तो घर मेरा जी रेंट पे, किराए पे, और जो सियासत का खर्च है वो लोगों के अखराजात बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अखराजात होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना ख़र्चा जो है वो कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कौमी असम्बली से ज़ाहरी बात है कि एक तनख्वाह भी है, और जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसके अलाउंसेस भी शामिल होते हैं, तो वो इतना के पैसे आ जाते हैं जिससे इज्जत के साथ एक आपका गुजारा हो जाता है। माना कितना खर्च कर देते हैं? दो से ढाई लाख रुपए इसी में गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है, सियासत भी घर भी, सियासत भी घर भी गुजारा हो जाता है। अपने मरकजी दफ्तर आए, अपने वोटर्स और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की, अवाम के मसाइल भी सुने, नई नई शादी हुई है तो आप ये बताएं कि हनीमून पे कहाँ गए, और जो ये ज़िंदगी का ये जो खुशगवार हिस्सा है ये कैसा गुजर रहा? देखें, हनीमून में तो यही फैसला था कि अल्लाह के घर की ही ज़्यारत करें, और जब लॉकडाउन लगा तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लॉकडाउन से पहले अल्लाह के घर की जो है वो ज़्यारत हो गई, रोज़ा रसूल के ऊपर हाज़िरी हो गई, इस्लाम हो गया, और अल्लाह ताला ने जो है वो आसानी पैदा की, तो वहाँ से फिर वापस पहुँच गए। तो ये इससे बड़ा और हनीमून की सादत क्या हो सकती है आपके? कमिश्नर फैसलाबाद के दफ्तर पहुँचे, कमेटी रूम में कमिश्नर फैसलाबाद साकब मनान और आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत के साथ तरक्याती मंसूबों के बारे में मीटिंग की। फैसलाबाद डिवीजन में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। वैसे आपको इंसानी हुसन में क्या पसंद है, क्या चीज़ अच्छी लगती है? देखें, इंसानी हुसन के अंदर तो इंसान को तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। अब ये है कि आपको किसी का अखलाक अच्छा लगेगा, किसी की ज़ाहरी खूबसूरती जो है वो अच्छी लगेगी, लेकिन जो चीज़ आपकी प्रिवेल करती है वो इंसान का अपना जो अंदरूनी हुसन होता है, जो उसकी सीरत होती है, वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट भी करती है।
और कोई शख्स इन तमाम सलाहियतों का जो मालिक होता है तो आपको अट्रैक्शन तो होती है। तौफीक भट फार्म हाउस पहुंचे। दोस्त और कालम निगार तौफीक भट ने गुलदस्ता पेश किया। मेरा अजीज छोटा भाई फरुख हबीब और उसको इमरान खान साहब ने एक ऐसी जिम्मेदारी दी कि जो बिल्कुल उसकी शख्सियत के मुताबिक थी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये अपनी जो सलाहियतें हैं और कलमकारों के साथ जो इनके एक खुसूसी और ज़ाती मरासम हैं वो ज़रूर काम आएंगे और हकूमत और मीडिया के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात का और नए अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ होगा। एक मैं इसमें बहुत ज़्यादा जो खूबी मुझे इसकी मुतासर करती है, इसमें रत्ती भर भी जो है गरूर या तकब्बर वो नहीं आया, ना रुकने कौमी असम्बली बनने के बाद और ना ही अब मिनिस्टर बनने के बाद, वज़ीर स्टेट मिनिस्टर बनने के बाद, तो ये बहुत बड़ी खूबी होती है। इनकी एक खूबी मैं जो बताना चाहता हूँ कि जब हमारा इनसे ताल्लुक बना ये बहुत यंग थे और मैं हमेशा कहता था कि ये लड़का कुछ बनेगा, दिन रात मेहनत करने वाला बंदा। मैंने अक्सर देखा रात को 3 बजे फ़ोन किया फरुख हबीब हलके में, सुबह फ़ोन किया फरुख हबीब हलके में। मैं समझता हूँ कि शायद तब इनकी शादी नहीं थी, इनके ऊपर वो तलवार नहीं लटकती थी बीवी वाली, और ये हलके में ही रहे। आज ये जहाँ पहुँचा है ये डिज़र्विंग था। मियाँ फरुख हबीब साहब का वज़ीर इत्तला'आत बनना पूरे मुल्क के लिए बल्कि ख़ास तौर पर हमारे फैसलाबाद के लिए एक एज़ाज़ की बात है। ये माशाल्लाह दोस्तों के दोस्त है। फरुख हबीब जो है ये नौजवानों के लिए एक सिंबल है, सिंबॉलिक सक्सेस है, क्योंकि इसने साबित किया है कि अगर आप हार्डवर्क करें, अगर आप अपने कॉज के साथ कमिटेड हों, अगर आप अपनी लीडरशिप के लिए ऑनेस्ट हों, लॉयल हों, और ये साबित करता है कि उसने अपनी अचीवमेंट को, अपनी स्ट्रगल, अपने हार्डवर्क, अपनी कमिटमेंट, अपने विजन, इसको सामने रखते हुए हासिल किया। दोपहर के खाने का पुरतकल्लफ एहतमाम किया गया। ग्रुप फोटो बनवाई। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर पहुंचे। चेयरमैन मोहम्मद अहमद ने इस्तकबाल किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज एन ओवरवेलमिंग इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी विद 58% शेयर इन एक्सपोर्ट्स। मीडिया टॉक कनेक्शन तक हमने 50% इजाफी बिजली इस्तेमाल करने वालों को, जो बिजली इस्तेमाल करने वाले थे, 50% डिस्काउंट दिया। PTEA की जानिब से फरुख हबीब को एजाजी मेंबरशिप दी गई और सावनियर पेश किया गया। IT का इंतजाम किया गया। दुनिया के किस किस मुल्क में गए हैं और कौन सा मुल्क दुनिया में सबसे अच्छा लगा? दुनिया में मुझे यूरोप भी जाने का मौका मिला, रशिया भी गए, हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, बरतानिया भी जाने का मौका मिला। तो तमाम हर मुल्क की जो है वो कोई ना कोई अपनी जो है वो आपको खूबी नज़र आती है, लेकिन जो चीज़ अपने मुल्क के अंदर है और जो पोटेंशियल हमारे मुल्क के अंदर है, ख़ास तौर के ऊपर अगर आप टूरिज़म के हवाले से देखें तो जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इन जैसा हुसन जो है वो आपको किसी जगह के ऊपर नज़र आता। लेकिन जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ और यहाँ का फ़र्क ये है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उन लोकेशंस को डेवलप करके जो है वो हाईलाइट किया है, तो वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो वो एक वर्ड ऑफ माउथ के तौर पर पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो यही दिल करता है कि हम अपने मुल्क को भी डेवलप करें, अपनी टूरिज़म साइट्स को भी डेवलप करें, ताकि लोग जो हैं वो यहाँ का भी रुख करें। और आप देखें कि पाकिस्तान के अब बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे टूरिस्ट हैं, हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, हुंजा इस साइड के ऊपर जो है वो स्कर्दू इस साइड के ऊपर, बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो जाते हैं। वजारत इत्तला'आत दुनिया भर में
پراپیگنڈے کے لیے مشہور ہوتی ہے. وزیر مملکت برائے اضلاعات کی حیثیت سے کتنی سپن ڈاکٹرن کرنی پڑتی ہے, کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ. اس کی تو کام ہی ایسا ہے کہ اس نے اپنی جو گورنمنٹ کی پازیٹیوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, نگیٹیوز کو جو ہے وہ چھپانا ہے. اور آپ کے پاس پازیٹیوز ہی اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ بیان کرتے رہیں تو نگیٹیوز تو جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اسپن ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حالات کا تقاضا ہوتی ہیں, لیکن آپ ان کو شوگر کوٹ کر کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جس سے وہ آسانی سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کو ہضم ہو جائے. 225 چک احمد نگر پہنچے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی, پرجوش استقبال کیا گیا. $4.2 million روپے کی لاگت سے احمد نگر پبلک پارک کا افتتاح کیا گیا. مفت سرکاری ڈسپنسری اور گورنمنٹ پرائمری اسکول کے نئے کمروں کا افتتاح کیا. آج اگر کوئی سال دو سال بعد احمد نگر کا رخ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ احمد نگر بھی جو ہے وہ پیپلز کالونی سے کم نہیں ہے. علاقے میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے نئے فلٹریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا. علامہ اقبال کالونی پہنچے, آتش بازی کی گئی, کمیونٹی سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا, سیلانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے دسترخوان پہنچے. مستحق افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. گھنٹہ گھر فیصل آباد پہنچے, ایم پی اے شکیل شاہد نے استقبال کیا, خصوصی پگڑیاں پہنائی گئیں. دوست احباب کے ساتھ گپ شپ لگائی. گھنٹہ گھر کی مشہور آئس کریم کھائی, صرف فوٹو بنوائی. پی ٹی آئی جرمنی کے صدر طارق جاوید کے گھر پہنچے, طارق جاوید نے خود استقبال کیا. گھر پر پی ٹی آئی فیصل آباد کے عہدیداران کو بھی مدعو کیا. فیصل آباد سے واحد خاتون رکن صوبائی اسمبلی فردوس رائے بھی موجود تھی. میرے دو خواب تھے, ایک تو عمران خان کو بحیثیت پرائم منسٹر دیکھنا اور دوسرا فر حبیب جیسے ٹائیگر کو, جو کہ ریئلی خان صاحب کے حقیقی ٹائیگر ہیں, ان کو کسی ایسی ذمہ داری پہ دیکھنا کہ یہ ملک اور قوم کے لیے کوئی سرو کر سکے. میری جب سب سے پہلی ملاقات فرخ بھائی سے ہوئی, میرے دل اور دماغ نے گواہی دی کہ یہ وہ ایسا شخص ہے جو حقیقی معنوں میں عمران خان کا وارث بن سکتا ہے. اس میں وہ ٹیلنٹ ہے, اس کی جو ہے اخلاق اور اس کی نیت اور اس کے کام کرنے کا جو سٹائل ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جو ایک حقیقی معنوں میں لیڈر کا ہونا چاہیے. میں آج انتہائی خوش ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے فیصل آباد کے قابل قدر, قابل احترام اور نڈر جو ہیں ورکر عمران خان کے, وہ منسٹر کی صورت میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ ہمارا درینہ خواب تھا اور یہ بہت پیارا, اور میرا بیٹا بھی ہے, بھائی بھی ہے, اور میری ہر وقت جو ہیں دعائیں اس کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ایک بہترین سپاہی بنے اور فیصل آباد کے لیے خاص طور پہ یہ وہ کام کرے جو جس کی سب لوگ توقع کرتے ہیں. گھر پر پرتکلف فشائیہ کا اہتمام کیا گیا. عام طور پر وفاقی وزیر مملکت اور وفاقی وزیر میں بن نہیں پاتی. اب چودھری فواد وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات ہیں اور آپ ان کے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات.
आपके मामलात कैसे चल रहे हैं? फवाद चौधरी जो हिमसेल्फ जो है वो एक जाइंट पर्सनैलिटी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को खुले दिल से टीम मेकिंग भी करना जानते हैं, और वो उनका अपना वजूद ऐसा होता है जिसके तहत वो नीचे लोग पनपते रहते हैं। वो लीडरशिप को कहते हैं कि लीडरशिप जो है वो ग्रो करे, लीडरशिप जो है वो नर्चर करे। तो फवाद चौधरी के साथ जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और आपके इलम में ये भी होना चाहिए जब फवाद चौधरी पार्टी में नहीं थे तो उस वक्त भी उनके साथ रابطہ था, और उनको पार्टी में लाने वाले लोगों में भी हम शामिल हैं। चौधरी साहब जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो है उनके साथ कम्बिनेशन भी है, भाइयों वाला ताल्लुक भी है, वर्किंग रिलेशन भी है, और वो खुद स्पेस देते हैं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तला'आत की हैसियत से आपका हदफ़ क्या है, क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं? आप देखें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम एहसास, जो समझते हैं कि सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या लोगों को पैसे बांटना है, पहली बार आके उस प्रोग्राम के अंदर 8 लाख लोग वो थे जो कि बोगस पैसे ले रहे थे, उनकी सफाई हुई। फिर उसकी छतरी तले बेशुमार प्रोग्राम हैं, गुरबत खत का खात्मा, स्टंटिंग ग्रोथ का खात्मा, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स के हवाले से वो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। उसके अलावा जो उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो है सेहत कार्ड, जिसके ऊपर KPK की सब आबादी को वो मिल चुका है, पंजाब की आबादी को मिलने जा रहा है। 10 लाख रुपए आपकी इंश्योरेंस होगी। दुनिया के बहुत सारे ऐसे डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली आवाम के लिए करने जा रहे हैं। जो हाउसिंग का उनका कम आमदन वाले लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट है वो अमली तौर के ऊपर रोल आउट हो चुका है। माइक्रो फाइनेंस अखूवत जैसे इदारों को साथ अब शामिल कर लिया गया है ताकि तेज़ी से वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उन तक घर पहुँचे उनका। और दूसरा जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड है कि उन्होंने मईशत को, जो कि कर्ज़ों तले क्रेडिट कार्ड वाली मईशत थी, उसको निकाल कर एक्सपोर्ट पे, पैदावार पे, तरसीलात ज़र में इजाफ़ा करके, पर कैपिटा के अंदर इजाफ़ा करके, और ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने जो किसान का, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी खुशहाली लेकर आए हैं कि उनकी जो अजनास थी उनकी असल कीमत उनको नहीं मिलती थी। किसान हमारा खुशहाल होगा जो 70% पाकिस्तान की आबादी है, 70% हमारी जो लेबर है वो देहात के साथ जुड़ी हुई है, जो मज़ारे हैं तो काश्तकारी के साथ मुंसलिंग है, उसकी जेब में पैसा आएगा तो वो शहरों में आके पैसा खर्च करता है और शहरों में फिर आगे खरीदो फरोख्त करता है, तो ये पूरा एक वेल्थ साइकिल है। तो ये तमाम चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे। बाकी जर्नलिस्ट जो हैं उनकी हम सेहत कार्ड लेकर आ रहे हैं, जर्नलिस्ट वो हमारे नौजवान जर्नलिस्ट जिनके पास घर नहीं है, फवाद चौधरी साहब भी इसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं, उनको हमने जो है वो घर देने हैं। फिर आपका जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है वो लेकर आए हैं, पाकिस्तान डेवलपमेंट मीडिया अथॉरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और रीवैम्प कर रहे हैं इदारों को, PTV को SD से HD कर रहे हैं, APP को डिजिटल एजेंसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे जो PID का डिपार्टमेंट है, डैम्प का डिपार्टमेंट है, उसके पास आर्काइव्स बड़े पुराने पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने हैं, फिल्म पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। इस बार जो है वो वज़ारत इत्तला'आत व नशरियात जो है वो फ़र्क नज़र आएगा।